छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नवागत कलेक्टर इंद्रजीत चंद्र बाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से मुलाकात की है, पत्रकार वार्ता भी की। इस दौरान जिले के सभी पत्रकारों ने नवागत कलेक्टर का स्वागत किया। वहीं स्थानीय पत्रकारों ने कलेक्टर से कहा कि जिले के विकास में मीडिया की भागीदारी खबरों के माध्यम से हमेशा रहेगी, प्रशासन और मीडिया जिले के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। आज कलेक्टर सर का पहला दिन है बालोद जिले में। कल उन्होंने प्रभार ग्रहण किया है, आज उनसे मुलाकात की और बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा हुई है। स्थानीय मामलों को देखते हुए हमने पहला मामला जो है धूल का उठाया। बालोद जिले के लोग वर्तमान में धूल से बहुत परेशान हैं। जगह जगह निर्माण कार्य चल रहा है और कई जगहों पर ठेकेदार काम को आधा शुरू कर छोड़ दिए हैं। शहर, मुख्य मार्ग, गली सभी जगह खोदा गया है और जहाँ नहीं खोदा वहाँ और खोदेंगे बोलते हैं। पूरा धूल से भरा हुआ है। बहुत सारी प्राथमिकता रहेगी, वो बालोद जिले की प्राथमिकता भी रहेगी। हम एक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं तो विकसित बालोद की कल्पना भी करना उसके कार्यक्रम में रहता है। तो विकसित बालोद के संबंध में स्वास्थ्य में, पंचायतों के सुदृढ़ीकरण में, शिक्षा में और आदिवासी समाज के लिए जो जो हमारी जनहित की योजनाएं हैं उनको हम करेंगे और हमारे किसान भाइयों के लिए जो भी शासन की प्राथमिकता है उसी को हम करेंगे और उसी के तहत अपने बालोद के लिए भी जो भी विकसित बालोद का सपना है वो पूरा करेंगे।